रकबर लिंचिंग केस, ये कोई पहला केस नहीं था, लेकिन आज आपको हम रकबर लिंचिंग केस के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप ये देखिए बीबीसी की खास रिपोर्ट, और क्यों बताएंगे ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। हम रात के समय में जी अलावड़ी के जंगल में जी, अलावड़ी से रोड आ रहा जी, बन के खेत में वो खड़ा 6-7 लोग जी, उन्हें सीधा फायरिंग कर दिया जी। रकबर का पीछे भागा जी, मैं वहाँ दो लोगों ने पकड़ लिया जी, फिर कही जी वहाँ वापस में नाम ले रहा जी, विजय इसके पाम तोड़, सुरेश इसके हाथ तोड़। मैं नुकनी उन पर जो छुड़ा के जी नर्मा के खेत में ढोका मैं नुकनी निकल गया जी। खेती बाड़ी का काम करते थे, अपना दूध का धंधा संभाल रखा है, उसने दूध पीने के लिए गाय लगा था, बच्चे छोटे इसके लिए दूध के लिए गाय, ये गाय बंदी रही को बंद रहा है, ज़्यादा दूध हो जाए इसलिए थोड़ा इसलिए ले कर रहा था। तो उसको उधर में वो घटना होने के बाद में पुलिस आई, पुलिस उसको ले जाने के टाइम में उसने उस टाइम वो एक्सपायर नहीं हुआ था, उसने कहा था कि मेरा इतने लोग थे और मैं उधर का, उसने अपना एड्रेस बताया, उसके बाद में वो एक्सपायर हो गया। थानेदार ने बताया जी मार के, और जब पुलिस रोड पे पटक दियो उनका स्टंट सुमर हो, यहाँ पर नहीं पुलिस बुलाई है, फिर पुलिस उठा के ले गई, और नहीं कुछ पता नहीं का वक्त को मरो पड़ो, का वक्त को ना मरो पड़ो, मेरो बच्चा कोई पता मेरो बच्चा की कैसे कैसे बीती, सारो तुअर रखो है, तीन तीन जगह से पाम, तीन तीन जगह से हाथ टूटा पड़ा, शाम टूटी पड़ी, दफना दिया। उस मेवात को आज सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, उसके नागरिकों को देशभक्ति का, जिस मेवात के हजारों लोगों ने देश की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी थी, तो के खिलाफ भी लड़ते हुए शहादतें दी थी। जैसा कि आपने इस खास रिपोर्ट में देखा होगा, उससे आपको साफ अंदाजा लग गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें 21 जुलाई को ये वारदात हुई थी। रकबर और उसके साथी असलम बड़ो दामेओं से दो गाय लेकर पैदल पैदल रामगढ़ से ललावंडी होते हुए कोला गांव हरियाणा जा रहे थे। रात करीब 12 बजे ललावंडी गांव के अंदर कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर गौ तस्करी के शक में उनकी पिटाई शुरू कर दी। अगर हम ये कहें वो गौ रक्षक दल के नाम पे गुंडागर्दी थी तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। लोगों ने रकबर और असलम को एक खाली खेत में दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से इतना पिटा कि असलम भीड़ हाथों से निकल कर भाग छुटा और अंधेरे खेतों में छिपते छिपाते भाग निकला, लेकिन रकबर भीड़ के हाथे चढ़ गया और लोगों ने रकबर को खेत की गीली मिट्टी में दबोच दबोच कर मारा। लोगों को कहना गलत होगा अगर हम ये कहें गौ रक्षक दल वालों ने, लेकिन आपको इस बात बता दे 12:41 में नकल किशोर शर्मा ने फोन किया, वहां मौजूद थे, ड्यूटी दे रहे थे किसी जगह पे पुलिस को, और जब पुलिस आई रकबर को थाने ले गई बजाय हॉस्पिटल ले जाने के। और आपको एक चीज ये भी बता दी जाए कि जब पुलिस वहां रकबर को छोड़ के और गाय को गौशाला छोड़ने गई और जब वहां से आके देखी तो तकबर रकबर की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और थाने में एक सिपाही के अलावा कोई नहीं था। और आपको एक चीज और बता दें इस कि रकबर को जब अस्पताल ले गया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके बाल बच्चों को देखभाल करेगा कौन, क्या सरकार और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो कहते हैं वो वहाँ पे उस मौके पर उन्हें इंसाफ दिलाएगी, ये बड़ा सोचना अहम रहेगा। लेकिन इसी बीच जब हम चाचा नेहरू स्कूल में पहुँचे तो वहाँ के लोगों से बात किया, आपको बता दें रकबर का जो बेटा है छोटा वाला इकरान, उसने जो है 23 किलो में उसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने दूर से आया एक बच्चा और वो भी उसके
पिता के साथ ये हादसा हुआ और उससे बेफिक्र माहौल बदला और उस बच्चे ने अलीगढ़ बॉक्सिंग चैंपियन में उसने जो है 23 किलो में अपना सिल्वर मेडल जीत के प्राप्त किया। आइए उनके स्कूल के कलीग से और उनके टीचर से उनके कोच से बात करते हैं, साथ ही उस स्टेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी से भी बात करेंगे कि वो ये बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। मैं मुदस्सिर एजाज आरिफ, आप देख रहे हैं hindraj.com। आज मैं अलीगढ़ के चाचा नेहरू स्कूल में हूँ। ये स्कूल इसलिए भी आपको बताएं, आपने रकबर केस सुना होगा, उनके आज दो बच्चों से हमारी टीम मुलाकात करने आई है। और आपको बता दें, एक बड़े बच्चे का नाम साहिल और छोटे बच्चे का नाम इकरान है। आपको बता दें, इकरान ने 23 किलो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आज मैं उनके इकरान इसके बारे में जो है आप बताइए, ये बच्चा जो है अभी 23 केजी किलो जो है बॉक्सिंग में जीता। जी, अभी हमने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता कराई थी, जिसके अंदर हमारा ये इकराम 23 किलो वर्ग के अंदर द्वितीय स्थान सिल्वर मेडल प्राप्त करा था इन्होंने। और इनकी परफॉर्मेंस, इसके बाद भी हमने और भी कॉम्पिटिशन कराया था, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जिसके अंदर की मार्शल आर्ट के सभी इवेंट ये बखूबी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस एज के अंदर एक बच्चा 5 साल की उम्र में बच्चा सीखता क्या है, ये 5 साल की उम्र में उस बच्चे को कंपटीशन देता है जो कि 10-15 साल तक के बच्चे हैं। और ये काफ़ी यूनिक पर्सनैलिटी है, जिसके अंदर कि एक तरीके से बोला जाता है सवगुण संपन्न, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर जब बॉक्सिंग की जो प्रतियोगिता स्टार्ट होती है 12 साल की उम्र से स्टार्ट होती है, और हम अभी स्टेट लेवल की प्रतियोगिता होने वाली है बनारस के अंदर वूशो, जिसमें कम उम्र के भी बच्चे खेल सकते हैं, जिसमें कि हम इन्हें पार्टिसिपेट कराएंगे पहली बार। नाम अनस है, लेकिन लोग आकिब भी कहते हैं, और मैं डीपीएस में पढ़ता हूँ 9th क्लास में। और मेरा जो जाना हुआ डीपीएस में यहीं से हुआ, ये स्कूल में, पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, जिसमें टेस्ट हुआ था, एंट्रेंस हुआ था डीपीएस के लिए, उसमें मेरा वो हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो मेरी जो पढ़ाई चल रही है डीपीएस में चल रही है। इकराम और मोहम्मद साहिल का क्या है लाइफ स्टाइल, ज़रा बताएंगे? जब इनका जो शुरू में आए थे उनके बारे में बता दूँ, जब ये शुरू में आए थे तो ऐसा लगता था कि शायद ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रहते रहते जब ये छोटा, ये इकरान है, तो ये आता कोई इनका रिलेशन में आता, इतना रोता जाने के लिए घर, इतना रोता कि ज़मीन में लौट जाता। लेकिन फिलहाल में माशाल्लाह इतना सही चल रहा है, अपने आप को इस तरह से मेंटेन कर रखा है कि पता नहीं चलता कि घर में है या नहीं है। अगर अब भी जाता है कहीं, कोई आता है तो उससे कोई टेंशन नहीं है, आया मिला घर गया फिर आ जाता है वापस। और जहाँ तक पढ़ाई के मामले में है, तो पढ़ाई तो माशाल्लाह भी सही चल रही है दोनों की। इसको जहाँ तक पढ़ाई के बारे में, मुझे लगता है ऐसा कि ज़्यादा इसको जो शौक़ है वो ड्राइंग के लिए है, क्योंकि देखता हूँ कॉपी लेके बैठ के उस पर बनाता रहेगा, और साथ ही में भी बैठ जाएंगे। और भी चीज़ें हैं, इनकी खास चीज़ क्या आपको अच्छी लगती है? इसकी अक्सर चीज़ देखता हूँ कि इसके अंदर जो फुर्ती है वो मुझे शायद स्कूल में शायद ही कोई होगा ऐसा, स्पोर्ट्स के लेवल, हाँ। और फुटबॉल के मामले में देख लें, बॉक्सिंग तो है, बॉक्सिंग है, वुशु अलग चीज़ है। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर है, मैं भी इसी स्कूल के 8th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं दिल्ली से आया था। ये आप इनके बारे में क्या देखते हैं, इकरान के बारे में और मोहम्मद साहिल के बारे में, किस तरह के ये लोग लड़के हैं, मतलब किस चीज़ में ज़्यादा रुझान है? जितना मैं देखता हूँ कि मतलब इसके बारे में भी कि मतलब ये स्पोर्ट्स क्लास में आके मतलब स्पोर्ट्स तो करते ही है, जैसे अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर मतलब जी सर बैठे हुए रहते हैं तो डांट देते हैं कि पहले पढ़ लो, तो मतलब पहले बैठा के से पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ भी लेते हैं हमसे, और बीच बीच में हम लोग इसे मतलब होमवर्क देते हैं कि तुम्हें टेबल सुनाना है 2 का या 4 का जो भी इसे सुनते हैं, या तुम्हें अपने बारे में माई सेल्फ लिखना है उसे लिख के देते हैं, याद करना तुम्हें, तो ये लोग मतलब इतना तो सुना देते हैं याद करके, स्कूल का टाइम हो गया तो इन्हें पता तो रहता नहीं है, तो हम लोग आके इन्हें गाइड कर देते हैं कि मतलब तुम्हारे खाने टाइम जो है वो है 12 बजे, खाना खा के तुम तैयार होकर मतलब स्कूल सीधा स्कूल जाया करो। अरे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान, सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फकल उनके सर पर शान इज्जत मिलती है, सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फकल उनके सर
फरसाना इज्जत मिलती है, मुझे भी ऐसा मौका दे जल्दी दाखिला दिलवा दे, मुझे भी ऐसा मौका दे जल्दी दाखिला दिलवा। नून वाला आया है, नून लेक आया है, सबके आलम में ये देख कैसा नून छाया है। अस्सलातु वस्सलाम का रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका हबीबुल्लाह। स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, हमेशा आके सर के पास रहते हैं और सर का हर कहना मानते हैं और जो सर बोलते हैं वही करते हैं और हर चीज़ अच्छे से करते हैं। मेरा नाम अदीबा है, मैं भी स्टेट लेवल पर मेरा सिल्वर मेडल रहा था। बहुत अच्छे हैं इकरान और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम कविता वर्मा है और हम लोग जो हैं स्टेट मेडलिस्ट हैं और ये इकरान जो है ये सबका कहना मानता है। बड़े होकर क्या बनना? बॉक्सर। और आप खेल में कहाँ तक जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय। चलिए, देश के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देश गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है और देश को सम्मान दिलाना है। देश को सम्मान दिलाना है। आपके अम्मी के बगैर यहाँ दिल लगता है? लगता है। और दादा आए थे मिलने भी? आया। कौन कौन आए थे घर से? दादा, चाचा, चाची, मामा, दादी। मोहम्मद साहिल, ये बताइए आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा। देखिए क्या करेंगे बड़े होके, क्या बनेंगे आप? टीचर। इकरान। घर के बगैर दिल लगता है आपका? लगता है। क्यों लगता है, ऐसा क्या है यहाँ पे? अच्छा। क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? पढ़ाई। और बड़े होकर आप क्या बनना चाहेंगे? बॉक्सर। अभी आपने जो जीता है सिल्वर मेडल, आपको कैसा लगा जीतने के बाद? बहुत अच्छा। अच्छा, और स्पोर्ट्स में और आप किस लेवल तक खेलना चाहेंगे? ओलंपिक। ओलंपिक, इसमें गोल्ड जीतना है। इसमें गोल्ड जीतना है। और आमिर भाई, आपसे सबसे पहला सवाल, लगभग के बच्चों को अलीगढ़ डालने के इसके पीछे मकसद क्या? देखिए, इसमें दो चीज़ें खास हैं। एक तो ये कि जो लॉस उस फैमिली को हुआ वो तो हो गया, वो लॉस कोई उसकी भरपाई नहीं है। ठीक है, तो बच्चे अगर पढ़ लिख कर किसी अच्छे मकान पर पहुंच जाए और अपनी माँ को बढ़ाने का सहारा बन जाए, ये इसमें एक चीज़ है। दूसरा ये कि हम लोगों ने सोचा कि बच्चे अगर उस माहौल में रहेंगे तो हमेशा एक चीज़ उनको पिंच करती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे और उसी पड़ोसी भी होते हैं कि भाई इनके फादर के साथ ऐसा हुआ, इनके साथ कुछ ज्यादतियाँ होंगी, तो कहीं ना कहीं एक नफरत का माहौल उन बच्चों के जहन में डेवलप होगा। तो वो बच्चे अगर उस माहौल से बाहर आ सके और बाहर आने के बाद वो पढ़ लिख कर सोसाइटी के मतलब पार्ट बन सके और वो उस जो ट्रॉमा उनको हुआ है, उनकी फैमिली को हुआ है, उस ट्रॉमा से बाहर आ सके ना और अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, ये हमारा मेन मकसद था कि वो पढ़ लिख कर अच्छे लेवल पर पहुंच जाए, कायदे के मुकाम को अचीव कर ले। आपसे आखिरी सवाल, अभी अकबर के जो बच्चों को आपने लाया, उनके कितने बच्चे थे? और दूसरी बात, उनकी अभी की स्थिति क्या है और आगे का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है और क्या हो सकता है? उनके हम चार बच्चों को लेकर आए हैं, टोटल लगभग के सात बच्चे हैं, हमने सातों बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए बोला। उनकी फैमिली ने चार बच्चों को भेजा है, इसमें दो लड़के हैं दो लड़कियां हैं, दो चार बच्चों को हम ले आए हैं, दो लड़के चाचा नेहरू स्कूल में हैं और दोनों लड़कियां जो है वो सना पब्लिक स्कूल में है। और अभी आपने जैसे देखा अपने फ्यूचर की बात करी, तो देखिए फ्यूचर क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, ये तो अल्लाह ही पता चलने वाला है। हमारी तो कोशिश ये है कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। अब एजुकेशन सबसे मेन चीज़ है और उसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स पर भी फोकस कर रहे हैं। अभी आपने स्कूल विजिट किया, आपने देखा तो अगर छोटा बच्चा जो इकरान है उसने अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 23 केजी में सिल्वर जीता है, तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी। उनको अगर मतलब उनके जो भी एबिलिटीज है, जो नेचुरल एबिलिटीज होती है, अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टिक कराया है, स्कूल का नाम रोशन कराया है, कल को देश का नाम रोशन कराया।